भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से ओपनर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने तूफानी शुरुआत की, मात्र 5 ओवर में 49 रन ठोक डाले। रोहित शर्मा 31 और ऋषभ पंत 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आज एक बार फिर विराट कोहली फ्लॉप साबित हुए, मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने तूफानी पारी खेली और 29 गेंद पर नवाज 46 रन बना डाले। भारत निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 170 रन का स्कोर खड़ा किया। 171 रन जीतने के लिए इंग्लैंड को लक्ष्य मिला। इंग्लैंड की टीम जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में ही लगातार 2 झटके दे दिए। जेसन राय और जोस बटलर को पवेलियन भेज दिया और इंग्लैंड का स्कोर मात्र 11 रन पर 2 विकेट कर दिया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और यजवेंद्र चहल ने अंग्रेजों को जीत की तरफ बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। मोइन अली टिकने का प्रयास तो किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 35 रन के निजी स्कोर पर उसे पवेलियन भेजकर भारत की जीत निश्चित कर दिया। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट, बुमराह और चहल 2-2 विकेट, हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल ने 1-1 विकेट हासिल किया और अंग्रेजों को मात्र 121 रनों पर ऑल आउट कर पवेलियन भेज दिया। भारत इस मुकाबले को 49 रन से जीतकर 3 T20 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर लिया।